फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। साथियों, हिंदी लेखकों के परिचय की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय पर। इनका जीवन परिचय देखेंगे और इसके पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है, जिससे अगले जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुंच जाए। इनका जन्म समय जो है यह 13 नवंबर 1917 है और इनका जन्म सेवपुर नाम के स्थान पर हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनके इनकी माता का नाम पार्वती बाई था, इनके पिता माधव राव थे। और मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वह उज्जैन में हुई, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उज्जैन में हुई। और 1938 में BA पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। 1954 में MA जो कि 1954 में MA करने पर राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। सन 1939 में आपने शांता जी से प्रेम विवाह किया था, आपका विवाह जो है वो शांता जी से हुआ। और 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा की ओर झुके और सुजालपुर में रहते हुए उनकी वामपंथी चेतना जो है वो मजबूत हुई। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे। 1954 में वाराणसी से प्रकाशित हंस पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया और साहित्य की सेवा करते हुए 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध ने साहित्य जगत तथा संसार से हमेशा के लिए विदा ले ली। तो इनकी जो मृत्यु है वह 11 सितंबर 1964 को हुई थी। और मुक्तिबोध एक अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार और अच्छे समीक्षक रहे। नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला जी की है। एक प्रसिद्ध कवि ने यही कहा है कि जो नई कविता है, नई कविता में मुक्तिबोध जी की जो जगह है, मतलब जगह वही है जो छायावाद में निराला जी की जगह है, ये कहा। और 1953 में मुक्तिबोध जी ने साहित्य लेखन का कार्य शुरू किया। मूलतः मराठी संस्कारों वाले कवि थे और जो मराठी भाषा है इसका पुट भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रांस और रूसी उपन्यासों के साथ साथ जासूसी उपन्यासों और वैज्ञानिक उपन्यासों और विभिन्न विदेशों के इतिहास तथा विज्ञान विषयक साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। और उन्होंने वसुधा और नया खून जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन में भी सहयोग किया। इस प्रकार से इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कविता संग्रह जो हैं ये चांद का मुंह टेढ़ा है, एक तो ये है, और भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी दो जो हैं वह कविता संग्रह हैं। इसके अलावा कहानी संग्रह देखें, जो प्रमुख कहानी संग्रह रहे, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी उपन्यास जो है ये विपात्र है। इसके अलावा आलोचना जो है तो कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं और आत्माख्यान जो है ये एक साहित्यिक डायरी नाम से है। और जो प्रमुख रहा ये इतिहास भारत और जो कि इतिहास भारत इतिहास और संस्कृति नाम से एक रचना रही और जो कि रचनावली हैं ये मुक्तिबोध रचनावली नाम से एक है, ये 7 खंडों में विभाजित है। और ये इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि भारत इतिहास और संस्कृति इतिहास के मामले में ये रचना है। तो इस प्रकार से ये जो थी इनकी कुछ रचनाएं रहीं और ये इनका पूरा कंप्लीट जीवन परिचय रहा।
इसके अलावा अगला जो वीडियो रहेगा इसी प्रकार से किसी और लेखक का जीवन परिचय देखेंगे जो कि पॉइंट टू पॉइंट चले। और आप लोग इन वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सकें।